हाय, मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। और जा रहा हूँ घूमने हरिपुरा, जो यहाँ से मात्र भुसावल से है 25 किलोमीटर दूर। और वहाँ का सारा नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ के पहाड़, वहाँ का तालाब, वहाँ जो जो भी चीज़ें हैं उससे आपको रूबरू मैं कराने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग को मेरे आज आप अंत तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। ये एक विशेष खास ब्लॉग आपके लिए मैं ला रहा हूँ। यहाँ की लोकेलिटी, यहाँ के विलेज, ये सारा का सारा नज़ारा मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, अभी बिना टाइम पास करते हुए हम अभी निकलते हैं और आपको दिखा देते हैं जाते जाते रास्ता किस प्रकार से है। और वहाँ एक हमारे दोस्तों ने थोड़ा पार्टी का भी इंतज़ाम किया है, तो थोड़ी सी पार्टी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज देखी जाएंगी। तो मेरा ये ब्लॉग आप अंत तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। और बाइक से जाते जाते जो है हरिपुरा का जो है पूरा का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसा ये पुल का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और थोड़ा मैं बैक कैमरे से मैं खुद ही जो है मेरी बाइक खड़ी हुई है और इसी बाइक से मैं जाऊंगा हरिपुरा। मैं यहाँ से जाऊंगा यावल, और यावल जो है देखिए यहाँ से 15 किलोमीटर आपको दिख ही रहा होगा। गुंडी वाला आदमी भी आ चुके हैं यावल, और यहाँ से 14 किलोमीटर हरिपुरा है। और ये देखिए बहुत ही पुराना ऐसा ये यावल सिटी है। ये अंग्रेजों के ज़माने का ये किले का दरवाज़ा है, और ये यावल जो है किलेबंदी का गाँव है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए कितना छोटा सा दरवाज़ा मतलब यावल के लिए जाने के लिए है। और ये बहुत ही पुराना इतिहासकालीन ऐसा ये यावल शहर है। के बारे में बताइए, यहाँ क्या फेमस है? मतलब यावल के बारे में व्यास मंदिर। क्या? व्यास मंदिर, व्यास मंदिर। या कहाँ है पड़ता है व्यास? ये व्यास मंदिर अपना जो त्रिवी नदी का संगम है, यहाँ हड़काई खड़काई उसको बोलते हैं। मतलब त्रिवेणी नदी का संगम भी है? कौन सी नदी है वो? उसका नाम हड़काई खड़काई बोल के प्रसिद्ध है। और कितना दूर है यहाँ? यहाँ से लगभग समझो 1 किलोमीटर कम होगा। अच्छा, ये जो किला है ये पूरा गांव, मुझे लगता है कि ये गांव पूरा किले से बंधा हुआ था पहले, लेकिन अभी शायद ये की गेट ही ये पुराना लगा है। किला तो स्पेशल है, उसके बाजू में एक रेणुका माता मंदिर है। अच्छा अच्छा। वो रेणुका माता मंदिर के पीछे हाई कोर्ट है, और कोर्ट के पीछे किला है। अच्छा। और यही देखिए हरिपुरा शायद दिखा रहा है 12 किलोमीटर। यहाँ गिरावली गांव, और ये आ गए भैया जलगांव डिस्ट्रिक्ट यावल तालुका की गिरावली गांव में। यहाँ कुछ शादी का माहौल भी आपको हम दिखा रहा हूँ। ये दिखा दे भैया, कुछ दूल्हा निकल रहा है लगता है, शादी का माहौल है यहाँ। और गिरावली गांव में देखिए बैंड के अमीना रुखसाना का गाड़ी, और इधर के साइड में मोहराला। तो हमें कहीं कहाँ जाना है भैया? इधर जाना है, इधर जाना है मोहराला इधर। तो हमें इधर मोहराला की तरफ जाना है भैया, और सीधा जाना है हरिपुरा। और यहाँ से आ गया है थोड़ा सा अच्छा रास्ता। तो चोर यहाँ के जो किसान है वो साइड बिजनेस जो है अपने दूध का भी करते हैं। आप दिख रहे होंगे यहाँ केली के बाग, क्योंकि यहाँ की जो केली है वो केली जाती है भैया विदेशों में। मैंने पहले ही बोला है कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट जो है केली के लिए बहुत ही फेमस है। अरे भाई, एक तो आगे ले यार, नहीं तो पीछे जाने दे। खड़ा है ना। और ये है भैया कुपरावली गांव दिखाए, और ये गांव कौन सा है मैं दिखा देता हूँ। देखिए इधर जाएंगे 10 किलो मालूद तो सावखेड़ा सिंह बड्री, और ये मोराला। तो ये मोहराला आ गए हैं, और यहाँ से हम जाएंगे हरिपुरा। बंडी बंडी कैसे भैया? बैल बंडी देखिए ये कैसे लेके जा रहे हैं घास फूस, और एक दूसरी बंडी एक के पीछे एक के पीछे कितनी सारी बैल बंडी। और भैया जरा हटा दो, कहाँ रह जा रहे लेके भैसा? खेतमा क्या? गुजरात से? तो ये कहाँ जा रहा है इतना सारा? देखिए खेत में लेके जा रहा है, मतलब ये लोग जो है वडोदरा से।
चाय वाले ये लोग जो है गुजरात से आते हैं ना। हम हरिपुरा में पहुंच चुके हैं। ये हजरत पीर मस्तान शाह बाबा, हजरत पीर मुर्शिद हसन शाह बाबा, हरिपुरा तालुका यावल का ये सुप्रसिद्ध ऐसा दरगाह है। और ये दरगाह मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिखा दे भाई, फिल्मा दे। दरगाह में आपका फकीरा नवाब आ जाओ। फकीरा नवाब यहाँ कितने दिन से मतलब रह रहे आप? बहुत साल हो गए। ये दरगाह मतलब बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रसिद्ध है। अच्छा बाबा, इनको क्यों बोलते हैं हजरत शाह? अरे बाप, जो काम सोचेंगे वो बनते ना यहाँ। यहाँ मतलब जो आप मांगेंगे वो मिलता है। हजरत हसन बाबा का ये दरगाह है हरिपुर। अगर मैंने सोचा है कि मुझे वही और किसी लड़की से पटाना है तो वो भी हो जाता है क्या? हाँ, से मांग लूँ क्या भैया, ये लड़की से मेरे को मोहब्बत है। हाँ, तो वो करना है तो वो मुझे मिल जाएंगे। हाँ। तो देखिए भैया, मोहब्बत वालों, जो जिसको भी यहाँ आना है वो आ सकता है। समझ लो पर्दा वेले तो यहाँ। अच्छा 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 अच्छा, तो ये देख बाबा है, इनको दिखा देते है। मतलब बाबा का रहने का ठिकान ये है, हसन बाबा का। दिखा दे भैया इधर थोड़ा। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बनाया गया है। बाबा का जो आसन भी हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बनाया गया है। तो यहाँ भी लोग आके मत्था टकते हैं। हाँ। मस्तान शाह बाबा हरिपुरा, ये भी काका हमको दिखा रहे हैं। ये पहले से दरगाह है। अच्छा अच्छा, ये तो पेड़ है सिर्फ। हाँ, तो अंदर ये पीछे रहते थे बाबा। ये अच्छा, ये जो बाबा जो है ये पेड़ के नीचे, पेड़ कौन सा है, क्या नाम है इस पेड़ का? मिर्ची बोलते इसको। अच्छा, ये मिर्ची का पेड़ है भैया, ये दिखा। यहाँ जो है ये बंगई रहती थी, ये बाबा बैठते थे। और यहाँ इधर दिखा रहे हैं, ये बाबा की राजदूत गाड़ी है। पहले बाबा जो है यही राजदूत पे घूमते थे। और बाबा की कार भी है, मतलब जो निशानी है यहाँ अभी भी जैसे मौजूद है भाई। और देखिए भैया, बाबा का कितना जलवा था, इसीलिए बाबा का मत्था मैं भी टेक लेता हूँ और थोड़ा सा आशीर्वाद लेके मैं यहाँ से जाता हूँ। ये आलम, आलम दिखा दो भाई पूरा। ये आलम है, ये आलम दिखा दे भाई पूरा। माया लोग काम बन जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या बताते हैं ये आलम के बारे में? कुछ बताना चाहते हैं भला? कुछ मतलब पाया लोग जो है, मतलब पागल हो गए, कुछ हो गए, हाथ लगा दिया तो अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाता है ऐसा ही। ये कासम बाबा जी है, ये बाबा हसन बाबा के लड़के है। और यहाँ मैंने सुना है कि जो भी आता है उनकी मुराद पूरी हो जाती है, पूरी होती है। हाँ, तो निकलेगा क्या इस्लाम का? तो हमारा निकलेगा क्या? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आधार, बैंक का पुस्तक। मतलब बैंक का पुस्तक और आधार चाहिए। अच्छा, कितना पैसा लगता है इसको? 50 रुपया। तो इसका क्या फायदा है फिर इस्लाम कार्ड का? रोजगार हमी वाले हम। अच्छा, मतलब रोजगार हमी मिल जाता है उसको ऑनलाइन? नई जानकारी मिली है। चलो भैया, क्या नाम है भैया आपका? अच्छा अच्छा, ये हमारे कुछ लोग गए हैं तो इधर कितना दूर है गए होंगे? वो पार्टी मनाने के लिए गए हैं। इधर 2 किलोमीटर सीधा रास्ता। अच्छा है क्या? सीधा रास्ता। तो आम के पीछे के बाजू का जोरा खदान टाइप बन रहा है, ये देखिए पानी दिखा दे भाई पानी। और ये है हमारी कार। राइट 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 राइट, अब यहाँ से। ओहो हो 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 हो, बहुत ही बढ़िया। कहाँ आए अपने लोग बाबा? नाव में बैठे डायरेक्ट। देखिए यहाँ कितना हरा भरा नज़ारा, ये हरिपुरा का है भैया। ये है डैम। ये डैम का नाम क्या है भाई? डैम का नाम क्या है? ये हरिपुरा डैम है। और देखिए कितना बढ़िया सुंदर ऐसा ये जो है भाई नज़ारा है। और यही हमारे जो लोग है या पार्टी शार्टी कर रहे हैं और हम जा रहे हैं उधर ही है हरिपुरा में। बहुत ही बढ़िया ऐसा दृश्य हमारे इस ब्लॉग में हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए पानी यहाँ का, टिकड़ी का हरा भरा नज़ारा। और लोग कितने दूर है देखते हैं। और ये जो लाया है हमने साथ में भाई, दिखा दे भाई। और ये जो लाया है, ये साथ में हमने लाया है बाजा।
और बाजा भी यहाँ बजाएंगे और पार्टी की जो है रंग चढ़ाएंगे। अभी कुछ लोगों का आवाज़ तो हमें आ रहा है भाई, ये झोपड़ी में बैठे क्या भाई? और ये नाव चलती है क्या? नाव चलती है क्या? हाँ। और देख लीजिए कितना बढ़िया सा यहाँ, मतलब नहा भी सकते हैं यार। क्यों? अच्छा, नॉट अलाउड। अच्छा अच्छा, मतलब अभी कोई नहीं है। मतलब बहुत गहरा पानी है क्या? हाँ, दो तीन लोग मर गए। और ये देख लीजिए कितना बढ़िया हरा भरा नजारा, बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये हरा भरा। और हमारे लोग झोपड़ी में बैठे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और यहाँ चल रहा है भैया बोट, और यहाँ बोट में भी है लोग बैठे हुए। चला दिखा देते हैं, ये हरिपुरा का डैम बहुत ही बढ़िया। और यहाँ कुछ लोग जो है हमारे बैठे हुए हैं, चूल्हा जल रहा है। और देख लीजिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं ये फिल्मा रहा हूँ हरिपुरा। लेकिन चढ़ूंगा जरूर मैं इस टेकड़ी भरी रास्ते के ऊपर से, लेकिन फिर भी मैं चढ़ ही रहा हूँ। ये देख लीजिए ऊपर तक मुझे चढ़ना है। पहाड़ों में चढ़ने का जो मज़ा है और कुछ, ये देखो पूरा फिसलन वाला मिट्टी है। देखते कहाँ तक फिसलन आता है। Ho 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 ho।